हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं द इंडियन होटल के बारे में, जिसके करंटली डेली चार्ट पर है। ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। इंडेक्स एनालिसिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लर्निंग ट्रेड डेली आपको इंडेक्स एनालिसिस मिल जाएगा। साथ में आपको वहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक सजेशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है, लर्निंग के लिए। तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट आईडी भी मेंशन है, तो अगर आपको कुछ भी रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। इस पर सिंपली आप टैप करोगे तो चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिलहाल अगर हम अभी देखते हैं, मैंने आपको पहले भी इसमें अपडेट किया था कि एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट स्टॉक होने वाला है। बेसिकली हमारा एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पर, और अभी रीटेस्ट करके स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम प्लान हो सकता है और हम आगे एक अच्छा टारगेट देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम करेंट लेवल पर बात करेंगे तो ये इसका रेंज कंटिन्यू है। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, स्टॉक अच्छा कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड पर। ये 2023 अक्टूबर के आसपास से स्टार्ट है। इस लेवल के आसपास हमने काफ़ी टाइम पहले भी सपोर्ट बनाया हुआ है। अभी के टाइम में अगर हम देखें तो बाइंग का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रहा है कुछ टाइम में। तो यहाँ पर अगर ये ट्रैप नहीं करता है तो ईजिली हम 800-820 का लेवल हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। देन आगे अगर जाएगा तो करीब 900 तक के भी लेवल्स के लिए हम जा सकते हैं, जो कि सिंपल अगर आप चाहो तो फेव रिट्रेसमेंट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये बाकी फेव रिट्रेसमेंट के जो लेवल है वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे 1.6 का जो लेवल है, ये 1.5 होता है एक्चुअली। अगर आप देखोगे 50% का मोमेंटम हम मानते हैं उसको, ठीक है, उस तरीके से। देन सेकंड जब आप जाते हैं तो 2.6 का है, बट ये एक्चुअली 2 का लेवल होगा, ठीक है, 1:2 के आसपास का लेवल बनेगा। सेम जैसे 1:3.6 है, ये 1:3 के आसपास का लेवल रहेगा। तो इस तरीके से हम उसको कहीं ना कहीं प्लान करते हैं, मतलब मैं प्लान करता हूँ। बेसिकली मेरा लर्निंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फ्रेश लेवल्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 800 के आसपास आई थिंक एक सपोर्ट अच्छा देखने की 800-820 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सेकंड रेजिस्टेंस आपको 880 से लेकर 900 के आसपास की रेंज में दिख सकता है। तो इस तरीके से हम इसमें बाइंग प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप लर्निंग के लिए पेपर ट्रेड या वर्चुअल मनी के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। रियल मनी के साथ अगर जाते हो तो डेफिनेटली अपनी एनालिसिस करना, उसके बाद ही प्लान करिएगा और उस तरीके से ही क्वांटिटी प्लान करिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये लेवल्स हैं जो आने वाले टाइम में हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो ये लेवल्स जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके प्रीवियस करेक्शन के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए तो स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।